हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी का बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत परेशान हुए हैं और कुछ लोगों की तो मृत्यु भी हुई है। तो यहाँ पर सारा खेल इम्यूनिटी का है। अगर आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रांग है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम अगर बहुत स्ट्रांग है, तो आप बीमारियों से लड़ पाते हैं। और अगर इम्यूनिटी बहुत वीक है तो बीमारियाँ आपको घेर लेती हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं जेमस्टोन के थ्रू और मंत्राज के थ्रू। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ जेमस्टोन के बारे में है, इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको मंत्रों के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन से ग्रह का मंत्र पढ़ना है ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ सके। तो चलते हैं लग्न चार्ट की तरफ। ये है आपका लग्न चार्ट, और आपके लग्न चार्ट में आपको पहले ये देखना है कि फर्स्ट हाउस की राशि क्या है। फर्स्ट हाउस की जो भी राशि है, उसका जो भी लॉर्ड बनता है और उस राशि का जो जेमस्टोन बनता है वो आपको पहनना है। बिकॉज फर्स्ट हाउस यानी आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी, अगर फर्स्ट हाउस यहाँ पर बिगड़ जाता है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th house में 8th house में 12th house में होता है, या राहु शनि केतु के साथ होता है, या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस में पड़ता है या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो बिगड़ सकती है और आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। या फर्स्ट हाउस में राहु शनि या केतु की प्लेसमेंट होती है आपके बर्थ चार्ट में, तब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट हाउस का जो भी लॉर्ड है और उसका जो भी जेमस्टोन बनता है, फर्स्ट हाउस की राशि का जो भी जेमस्टोन बनता है, और जेमस्टोन को जानने के लिए आप मेरी और वीडियोज देखें, आप समझ पाएंगे। तो जो भी उसका जेमस्टोन बनता है वो आप जरूर पहने, उससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बची रहेगी, वो स्ट्रांग बनेगी और आप अपनी बीमारियों से फाइट कर पाओगे। जो भी बीमारियां आपको घेरेंगी उन बीमारियों से आप फाइट कर पाओगे। लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 6th house में 8th house में 12th house में होता है, तब आप फर्स्ट हाउस का जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं, यानी अपने एसेंडेंट के लॉर्ड का जेमस्टोन आप नहीं पहन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज और भी करनी है, आपको मंगल और सूर्य का जेमस्टोन भी पहनना है। मंगल का जेमस्टोन हो गया कोरल और सूर्य का जेमस्टोन हो गया आपका माणिक। और लकीली मैंने दोनों पहने हुए हैं, लेकिन मैंने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए नहीं पहना, ये मेरे लग्न चार्ट के हिसाब से मैंने पहना है, लेकिन दोनों मेरे हाथ में है। तो आपको मंगल और सूर्य का जेमस्टोन भी पहनना है, यानी मंगल का जेमस्टोन हो गया कोरल और सूर्य का जेमस्टोन हो गया माणिक। बट वो आपके लगन के हिसाब से बेनिफिक होना चाहिए। जैसे अगर आपका एरीज एसेंडेंट है तब आप मंगल का जेमस्टोन और सूर्य का जेमस्टोन पहन सकते हैं। 4 number साइन है तो मंगल का जेमस्टोन पहन सकते हैं। 5 number साइन है तो आप माणिक और मूंगा दोनों पहन सकते हैं, यानी सूर्य का जेमस्टोन और मंगल का जेमस्टोन दोनों ही पहन सकते हैं। बट उसके लिए सूर्य का और मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है, यानी उनकी प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एसेंडेंट स्कॉर्पियो है तब भी आप मंगल का जेमस्टोन पहन सकते हैं, और स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए सूर्य किस हाउस का लॉर्ड होता है, 10th house का लॉर्ड होता है, लेकिन सूर्य की पोजिशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो सूर्य और मंगल का जेमस्टोन आप पहन सकते हैं। 9 number अगर आपका एसेंडेंट है, 9 number तो 9 number अगर यहां पर आएगा 10, 11, 12, 1 number यहां पर आएगा तो आप मंगल का जेमस्टोन पहन सकते हैं। 2, 3, 4, 5 number यहां आएगा यानी माणिक आप पहन सकते हैं। तो यहां पर 9 number अगर आपका एसेंडेंट है तब भी आप मंगल का और सूर्य का जेमस्टोन पहन सकते हैं। और अगर आपका पाइसिस एसेंडेंट है 12 number तो 12 number 12 इधर आएगा तो 1 इधर आएगा, 1 number इधर आएगा तो बिल्कुल आप पहन सकते हैं। और पाइसिस एसेंडेंट में सूर्य जो है वो 6th house का लॉर्ड होता है, यानी 5 number साइन यहां पर आएगा, तो सूर्य का जेमस्टोन आप यहां पर नहीं पहन सकते। तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको कोरल यानी मूंगा
और रूबी यानी मानिक सूर्य का जेमस्टोन वो भी आपको पहनना है, बट वो आपको अपने एसेंडेंट के हिसाब से पहनना है। और जो भी आपका एसेंडेंट है उसका आप जेमस्टोन पहन सकते हैं, लेकिन आपके एसेंडेंट का लॉर्ड 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस में ना हो। और अगर आपके एसेंडेंट के लॉर्ड के साथ राहु शनि केतु बैठे हुए हैं तो राहु शनि केतु की आपको रेमेडी करनी है और अपने एसेंडेंट को स्ट्रांग करने के लिए उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं, उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो राशि आपके 1st हाउस में आ रही है उसका स्वामी ग्रह कौन सा है उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपके 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में 8th हाउस में 12th हाउस में है तो आप अपने ग्रह से संबंधित 1st हाउस के लॉर्ड से संबंधित जो भी ग्रह बनता है उसकी चीजों का दान कर सकते हैं और मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं उसको स्ट्रांग करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने 1st हाउस को अगर स्ट्रांग करेंगे तो उससे जो आपकी इम्यूनिटी है वो बढ़ सकती है और बीमारियों से आपका बचाव हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि आप अपने शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।